इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की करेंगे शुरुआत। यूपी के महोबा में लाभार्थियों को सौंपेंगे एलपीजी कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात भी करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। राज्यसभा में आज और कल मौजूद रहने को कहा। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को भी आज सदन में रहने के निर्देश दिए। ओबीसी बिल पर आज लोकसभा में चर्चा और वोटिंग हो सकती है। बीजेपी संसदीय पार्टी की आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। पेगासस को लेकर राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय का जवाब। इजरायली कंपनी एनएसओ से नहीं हुआ कोई लेन देन। पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 9 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। पिछली सुनवाई में सरकार को याचिकाओं की कॉपी देने को कहा था। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की हो सकती है गिरफ्तारी। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी करने का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। नारेबाजी के वीडियो पर अश्विनी उपाध्याय की सफाई। कहा, इस वीडियो में मेरा कोई लेना देना नहीं। वीडियो की जांच की मांग की। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नारेबाजी मामले में कार्रवाई की मांग की। कहा, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी आम बात हो गई है। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी आज श्रीनगर में कांग्रेस के नए दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आज खीर भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे राहुल गांधी। शंकराचार्य मंदिर के अलावा हजरत बल दरगाह में जियारत करने भी जाएंगे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर लगा विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव समेत डी राजा और उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार, पीएम से चिट्ठी का नहीं मिला कोई जवाब। देश के भले के लिए है जातीय जनगणना। ओम प्रकाश राजभर ने साधा सीएम योगी पर निशाना। कहा, योगी साधु हैं, उनका स्थान मंदिर है। अखिलेश यादव की जमकर तारीफ। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप की सौंपी जिम्मेदारी। यूपी के गाजियाबाद में आज बीएसपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्रा लेंगे हिस्सा। ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश। ओपी चौटाला ने पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और गुलाम सिंह यादव से की मुलाकात। तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर हुई चर्चा। बिहार की वीआईपी पार्टी यूपी में फूलन देवी की 50,000 मूर्तियां बांटेगी। पार्टी के नेता मुकेश सहनी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का है प्लान। कांग्रेस ने पी चिदम्बरम को गोवा और जयराम रमेश को मणिपुर के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किया। चिराग पासवान को खाली करना पड़ सकता है 12 जनपद वाला सरकारी आवास। चिराग के पिता रामविलास पासवान को अलॉट किया था ये घर। शहरी विकास और आवास मंत्रालय के विभाग डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ने भेजा चिराग को नोटिस। चिराग ने घर खाली करने के लिए और मोहलत मांगी। इंदिरा कैंटीन का नाम बदलने की मांग पर बोले सिद्धरमैया, बदले की राजनीति कर रही बीजेपी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के घर महाराष्ट्र बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को घेरा। पूछा, नशे की बिक्री और सप्लाई के लिए बनाई गई एसआईटी की कार्रवाई का क्या हुआ। ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा के साथ आज मीडिया के से मुखातिब होगा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के साथ होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू रहे मौजूद। सम्मान समारोह में खेल राज्य मंत्री निशीत प्रमाणिक ने भी लिया हिस्सा। सभी खिलाड़ियों को एक एक कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में बोले नीरज चोपड़ा, जब से मेडल मिला है ठीक से सो नहीं पाया, मेडल जेब में लेकर घूम रहा हूं। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कहा, ये मेरा मेडल नहीं देश का मेडल है। कार्यक्रम में बोले बजरंग पुनिया, प्यार और सम्मान देखकर लगा दोबारा मेडल जीता हूं। लवलीना ने देशवासियों से किया वादा, पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ओलंपिक में खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया। पीएम मोदी ने लगातार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। किरण रिजिजू ने कहा, मेडल खून पसीनों और आंसुओं से बनते हैं। ओलंपिक में पूरा देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। कार्यक्रम के समापन के मौके पर हुआ फोटो सेशन। मंच पर मौजूद लोगों ने दिखाया विक्ट्री साइन। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने किया नीरज का वेलकम। नीरज चोपड़ा ने इंडिया टीवी से की बातचीत। देशवासियों को प्यार और सम्मान देने के लिए शुक्रिया कहा। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। खिलाड़ियों के स्वागत पर दिखे कई अधिकारी। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया का उनके पैतृक गांव में जोरदार स्वागत हुआ। ढोल नगाड़े बजाकर लोगों ने फूलों से किया वेलकम।
लोगों के स्वागत से बेहद खुश नजर आए पुनिया के कोच, कहा इंजरी के बाद भी मेडल जीता, ये 3 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा। देशवासियों के प्यार और स्नेह से अभिभूत बजरंग पुनिया बोले, इस तरह का प्यार और सम्मान पाकर गर्व महसूस कर रहा। ओडिशा कैबिनेट का बड़ा फैसला, 89 मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम को दी मंजूरी, अगले 18 महीने में पूरा होगा काम। यूएनएससी में पहली बार पीएम मोदी ने की अध्यक्षता का, समुद्री व्यापार की बाधाओं को दूर करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा आतंकी घटनाओं और लुटेरों के लिए इस्तेमाल हो रहा समंदर का रास्ता। पीएम मोदी ने समुद्री चुनौतियों का मिलकर सामना करने की कही बात, कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हो समाधान। 11 अगस्त को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, मीटिंग की थीम है इंडिया एट 75। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी वारदात, आतंकियों ने बीजेपी सरपंच और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या की निंदा की, कहा जल्द होगा इंसाफ। सरपंच और उनकी पत्नी की मौत पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, कातिलों को मिलेगी सख्त सजा। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार, किश्तवाड़ के एसएसपी ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। एनआईए ने जमातुल इस्लामी टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के 5 ठिकानों पर की छापेमारी, कई दस्तावेज बरामद। साल 2021 में भारत चीन बॉर्डर पर घुसपैठ का एक भी मामला नहीं आया सामने, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। मणिपुर में टेक्नोपोल में असम राइफल और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद। विश्व आदिवासी दिवस पर झारग्राम में रखा गया कार्यक्रम, ममता बनर्जी ने कार्यक्रम में पहुंचकर किया डांस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की आवाज पर विश्व आदिवासी दिवस का मनाया गया जश्न। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अगस्त क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि, कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर किया सम्मान पेंशन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, रामविलास शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल हुए शामिल। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा तिरंगा यात्रा ने साबित किया किसान भाजपा के साथ। उत्तराखंड के पौड़ी में कैदियों से भरी वैन सैलाब में फंसी, कड़ी मशक्कत के बाद बुलाकर वैन को सैलाब से बाहर निकाला गया। वैन में सवार कैदियों को ले जाया जा रहा था ऋषिकेश एम्स, ज्यादा मलबा होने के कारण वैन के टायर हुए जाम, सभी कैदी सुरक्षित। वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर गंगा, वाराणसी के 80 और दशाश्वमेध घाट की सड़कें भी गंगा की जद में, कई घाट डूबे। यूपी के चंदौली में बाढ़ का कहर, कई निचले इलाकों में भरा पानी, जिले के डीएम ने प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जालौन और हमीरपुर का करेंगे एरियल सर्वे, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटेंगे फूड पैकेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को औरैया जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, हालात का जायजा लिया। औरैया में बाढ़ प्रभावितों को सीएम योगी ने बांटा अनाज, जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारियों के साथ राहत काम की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पश्चिमी मिदनापुर में करेंगी एरियल सर्वे, बाढ़ के हालात का जायजा लेंगी। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की, ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ के हालात की रिपोर्ट ली। देश में कोरोना केस में कमी दर्ज, एक दिन में 27,421 नए मामले, 376 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 13,049 नए केस, 24 घंटे में 105 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,505 नए केस, 24 घंटे में 68 लोगों ने कमाई जान। मुंबई में कोरोना के 208 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,413 नए केस, करीब 1,800 लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 1,929 नए केस, बीते 24 घंटे में 1,886 लोग ठीक हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस, 76 संक्रमित ठीक हुए। यूपी में कोरोना के 23 नए केस, 24 घंटे में 1 कोरोना मरीज की मौत। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मुंबई में हुई टास्क फोर्स की अहम बैठक, सीएम ठाकरे समेत मुख्य सचिव और टास्क फोर्स के सदस्य मौजूद रहे। ऑक्सीजन की सप्लाई, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने समेत कई अहम पॉइंट पर टास्क फोर्स में की गई चर्चा, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की स्पीड बढ़ाने को भी कहा गया टास्क फोर्स की ओर से बैठक में जोर। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किया एसओपी, कोरोना लक्षण वाले छात्रों और शिक्षकों की एंट्री पर रोक। नियम के मुताबिक छात्रों के किताब कॉपी शेयर करने पर रहेगी रोक, स्कूल के स्टाफ और छात्रों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में 1,000 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं, कोरोना नियमों का पालन करना होगा। हरियाणा में 23 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू की पाबंदी खत्म, केस खत्म होने के बाद सरकार ने लिया फैसला। गोवा में एक हफ्ते के लिए बढ़ाई गई पाबंदी, पॉजिटिविटी कम नहीं होने तक लागू रहेगा कर्फ्यू।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, नरसिंहगढ़ स्थित बड़ा महादेव मंदिर पर उमड़े लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस, बंगाल में कथित वैक्सीन घोटाले के आरोप में प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्ना वैक्सीन को मिली मंजूरी, अगले महीने से लोगों को लगने लगेगी मॉडर्ना की वैक्सीन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने महिला से 2.5 लाख रुपए लूटे, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस जांच में जुटी। कर्नाटक के रामनगर में विवेक नाम के स्टंट एक्टर की हुई मौत, शूटिंग के दौरान करंट लगने से मौत। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, 19 मुसलमानों का शुद्धिकरण कराकर कथित घर वापसी कराई गई। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने किया छात्रों पर लाठीचार्ज, 12वीं के बोर्ड में कम नंबर मिलने से नाराज छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। गुजरात के आणंद में 2 मंजिला इमारत में लगी आग, की चपेट में आई आसपास की इमारतें। श्रीनगर के मशहूर डल लेक पर इंडियन आर्मी ने छेड़ी सुरों की धुन, स्वतंत्रता दिवस की जोरदार तैयारी में जुटे। पाकिस्तान को भोग शहर में गणेश मंदिर को मरम्मत कर हिंदू समुदाय को सौंपा गया, कुछ देर पहले कट्टरपंथियों ने मंदिर में की थी तोड़फोड़। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग, अब भी बेकाबू, प्लेन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। रूस में भी जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए चलाया जा रहा बड़ा ऑपरेशन, प्लेन और हेलीकॉप्टर से किया जा रहा छिड़काव। तुर्की के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स का ऑपरेशन जारी, पिछले 13 दिनों में जंगलों में लगी भीषण आग। ग्रीस के एविया के जंगलों में आग का तांडव, बीते 7 दिन में हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। इटली के एतला ज्वालामुखी फिर फूटा, आसपास के इलाकों में फैला लावा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।